हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरएस गुरु एकेडमी पर। एक बार फिर मैं आपके लिए रेलवे एग्ज़ाम में आने वाले जनरल साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आपको इन क्वेश्चनों में से 60 से 70% क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो आप ध्यान से पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? इसका सही आंसर है जोंक और केचुआ। ध्यान से पढ़िएगा, एनिलिडा ग्रुप के मुख्य जंतु की बात की है। इसके एनिलिडा ग्रुप के मुख्य जंतु कौन कौन से हैं? जोंक और केचुआ है, ठीक है। क्वेश्चन दो देखते हैं, ऑर्थोपोडा ग्रुप के मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? ऑर्थोपोडा ग्रुप में मुख्य रूप से कौन कौन से जंतु होते हैं? इसका सही आंसर है तिलचट्टा, मच्छर, खटमल और मक्खी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोलास्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या फिर कीट आते हैं? इसका सही उत्तर है हमारे पास घोंघा या फिर सीपी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? ध्यान दीजिएगा, इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत कौन कौन से मुख्य जंतु है? स्टारफिश, जिसको हम हिंदी में तारा मछली बोलते हैं, और ब्रिटल स्टार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? इसका सही उत्तर है मुख से। देखिए, जब भी हम कोई बाइट या कोई टुकड़ा अपने मुंह में रखते हैं, तभी मनुष्य का पाचन क्रिया प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिराए द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? इसका सही उत्तर है अशुद्ध रक्त। शिराओं में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? इसका सही उत्तर है शुद्ध रक्त। धमनियों में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है और शिराओं में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो इसका सही उत्तर है विटामिन बी और सी, मतलब विटामिन बी और सी को हम जल में घोल सकते हैं, परंतु विटामिन डी, विटामिन के, इन सभी को हम जल में नहीं घोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोडियम का कार्य क्या है? सोडियम का हमारे शरीर में क्या कार्य है? इसका सही उत्तर है यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है, ठीक है। तो सोडियम का आपको कार्य पता चल गया हमारे शरीर में क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पोटेशियम का क्या कार्य होता है? पोटेशियम का हमारे शरीर में क्या कार्य होता है? इसका आंसर है यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्य को संचालित करता है, ठीक है ना। यह हृदय की धड़कन और नाड़ी संस्थान के कार्य को संचालित करता है। ध्यान दीजिएगा, सोडियम ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है, ठीक है, और पोटेशियम हृदय की धड़कन मतलब हमारी हार्ट बीट को मेंटेन रखता है, और नाड़ी संस्थान को मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्लूकोज के बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? ध्यान से पढ़िए, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जब ऑक्सीजन नहीं है, तब मांसपेशियों में प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? इसका सही उत्तर है लैक्टिकम। जब ऑक्सीजन नहीं होती मांसपेशियों में, उस वक्त ग्लूकोज मांसपेशियों के साथ प्रतिक्रिया करके लैक्टिकम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्लूकोज को बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज बैक्टीरिया या फिर यीस्ट से प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? इसका सही उत्तर है इथाइल अल्कोहल। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या फिर यीस्ट से प्रतिक्रिया करके इथाइल अल्कोहल बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? यदि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, इस बार ऑक्सीजन उपस्थित है, ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? तब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और जल का निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? CO2 है, ठीक है ना। और जल, हम सभी को पता है, H2O होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है यदि ऑक्सीजन है ग्लूकोज की उपस्थिति में, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एनिलीडर में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? इसका सही उत्तर है नेफ्रेडिया। किसके द्वारा होता है? नेफ्रेडिया द्वारा। एनिलीडा में उत्सर्जन उत्सर्जी अंग द्वारा होता है, नेफ्रेडिया द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।